तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक स्पीड टेस्ट कंपैरिजन करने वाले हैं बिटवीन पोको X3 प्रो एंड शाओमी मी 10T। अब मी 10T एक प्रॉपर फ्लैगशिप डिवाइस है कमिंग विद लास्ट ईयर स्नैपड्रैगन 865 लास्ट ईयर का सबसे पावरफुल एंड्रॉयड चिपसेट था, लेकिन पोको X3 क्वालकॉम के नए स्नैपड्रैगन 860 चिपसेट के साथ आता है। अब ये भी काफ़ी एक पावरफुल चिपसेट है और जैसा कि आप नेमिंग से गेस कर सकते हैं 860 से आपको थोड़ी कम परफॉर्मेंस देगा, 855 से थोड़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा, लेकिन स्टिल मैं दोनों फ़ोन्स को टेस्ट करना चाहता था तो स्पीड टेस्ट कंपैरिजन इज़ अ गुड वे टू डू दिस। और टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। ओके तो गाइज ये रहे हमारे पास दोनों स्मार्टफोन्स। लेफ्ट साइड पे मेरे पास है पोको X3 प्रो एंड राइट साइड पे है मी 10T और इनका हम लोग एक स्पीड टेस्ट कंपैरिजन करने वाले हैं। हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे बूट अप टेस्ट से, उसके बाद कुछ लाइट सिस्टम एप्लीकेशंस एंड देन हम लोग कुछ हैवी गेम्स की तरफ जाएंगे। लेकिन टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दोनों फ़ोन्स सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, दोनों में पावर सेविंग मोड ऑफ है और दोनों ही अपने लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन पर रन कर रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे बूट अप टेस्ट से एंड लेट्स सी कि कौन पहले बूट अप होता है। सो सेम टाइम पे हम लोग दोनों को रीबूट करेंगे एंड लेट्स सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पोको का जो लोगो है वो पहले अपेयर हुआ और गाइस सरप्राइजिंगली फाइनली जो पोको X3 प्रो है वो पहले लोड हुआ। मी 10T अभी लोड हुआ है और ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा जल्दी बूटअप होता है, बट स्टिल पोको X3 इससे पहले लोड हुआ तो मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हूँ, क्योंकि इसकी प्राइस 63,000 है और ये एक 40,000 की रेंज वाला फ़ोन है, तब भी ये पहले रीबूट हुआ। एनीवेज अभी हम लोग रैम को क्लियर करते हैं एंड देन हम लोग टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं है बैकग्राउंड में, तो टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग को सिस्टम एप्लीकेशंस को लॉन्च करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास है फ़ोन डायलर, 3, 2, 1 एंड गो। मी 10T थोड़ा जल्दी लोड हुआ। उसके बाद है मैसेजेस एप्लीकेशन, सेम टाइम पे कैमरा, मी 10T और फ्रंट कैमरा खोल के इसको एग्जिट करते हैं। उसके बाद है सेटिंग्स, ऑलमोस्ट सेम टाइम पे मेरे ख्याल से स्लाइटली मी 10T जल्दी लोड हुआ। उसके बाद है कैलकुलेटर एप्लीकेशन, सेम टाइम पे। अब आते हैं कुछ सोशल मीडिया एप्लीकेशंस की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास है यूट्यूब और यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम टाइम पे लोड हुए, बट मेरे ख्याल से मी 10T ज़्यादा जल्दी लोड हुआ। उसके बाद है इंस्टाग्राम, पोको X3 पहले लोड हुआ यहाँ पर, फेसबुक, पोको X3, ट्विटर, पोको X3, स्नैपचैट, मी 10T। अब गूगल क्रोम को लॉन्च करते हैं और यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे मी स्टोर PK। सो वेबसाइट को पहले मी 10T ने लोड किया। उसके बाद है स्पीड टेस्ट बाय ओकला, मी 10T में एप्लीकेशन पहले लोड हुई बट अब एक स्पीड टेस्ट रन करते हैं। ओके तो स्पीड टेस्ट पहले पोको X3 प्रो ने कंप्लीट किया और यहां पर आप देख सकते हो डाउनलोड स्पीड्स पोको में अच्छी मिली जबकि अपलोड स्पीड्स हमें मी 10T में ज़्यादा बेहतर मिली। तो इनको एग्जिट करते हैं। नेक्स्ट है दराज एप्लीकेशन, सो लेट्स गो। मी 10T पहले लोड हुआ। उसके बाद है प्ले स्टोर, पोको X3 प्रो। उसके बाद है व्हाट्सएप, आई थिंक पोको X3 प्रो। अब कुछ गेम्स की तरफ आते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहली गेम है वो है सबवे सर्फर्स। और ये गेम पहले लोड हुई मी 10T में। उसके बाद है टेंपल रन 2,
अच्छा तो ये गेम पहले लोड हुई पोको X3 प्रो में। उसके बाद है मैजिक टाइल्स 3। मीट एंड डी नेक्स्ट है स्मैश इट। मीट एंड डी उसके बाद है ऑल्टोज एडवेंचर। और ये भी मीट एंड टी में पहले लोड हुई गेम। अब आते हैं कुछ हैवी गेम्स की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास है पबजी मोबाइल। और दोनों में अराउंड 1 सेकंड का डिफरेंस था, काफी जल्दी लोड हुए हैं दोनों। बट स्टिल मीट एंड टी स्लाइटली तेज था, लेकिन पोको X3 प्रो को भी काफ़ी कम टाइम लगा पबजी लोड करने में। नेक्स्ट है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। और ये गेम पहले पोको X3 प्रो में लोड हुई। नेक्स्ट हमारे पास है एसफॉल्ट 9। तो मीट एंटी लोड हो गया है, पोको भी लोड हो गया है, काफ़ी जल्दी लोड किया दोनों में, काफ़ी कम डिफरेंस था। तो हमारी जो लास्ट एप्लीकेशन है वो है काइन मास्टर। इसको लॉन्च करेंगे और एक वीडियो को हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। सो काइन मास्टर की एप्लीकेशन पहले लोड हुई मीट एंटी में। तो दोस्तों सेम वीडियो में दोनों में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ एट 720p 30fps, और जो बिट रेट होगा वो भी दोनों पे सेम है ऑलमोस्ट 13 Mbps। तो एक्सपोर्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सा पहले एक्सपोर्ट को कंप्लीट करता है। और यहाँ पर मीट एंड टी थोड़ा जल्दी कर रहा है इसको एक्सपोर्ट। ओके तो भाई मीट एंड टी में लोडिंग कंप्लीट हो गई है, और पोको X3 ऑलमोस्ट अभी 50% कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों में जो आपको डिफरेंस मिलता है, मीट एंड टी काफ़ी ज़्यादा जल्दी एक्सपोर्ट करता है। और अभी वेट करते हैं। तो पोको में भी एक्सपोर्ट कंप्लीट हो गई है, अब इन ऐप्स को बंद करते हैं। तो गाइज ये था एक स्पीड टेस्ट कंपैरिजन बिटवीन द पोको X3 प्रो एंड मीट एंड टी। दोनों फ़ोन्स की प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, बट रॉ पावर की बात करें तो ऑलमोस्ट दोनों सेम है। और इस टेस्ट से आपको ये आइडिया भी हो गया होगा कि अगर आप पोको X3 लेते हो तो आपको कितनी ज़्यादा वैल्यू मिलती है, स्पेशली 40,000 की रेंज में। यहाँ पर ऐसी परफॉर्मेंस आपको कोई भी और डिवाइस नहीं देगा। तो अगर आप प्योरली कोई फ़ोन लेना चाहते हो गेमिंग के लिए या एडिटिंग के लिए, आपके लिए बेस्ट चॉइस होने वाली है 40,000 में। बट अगर आपके पास बजट है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 55,000 में F3 की तरफ जाओ। वहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 870 का चिपसेट मिल रहा है, प्लस एक एमोलेड स्क्रीन है। एनीवेज़ अगर आपके कोई भी वीडियो आइडियाज़ हैं तो उनको नीचे कमेंट में ड्रॉप कर देना, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना क्योंकि काफ़ी सारे कंपेरिजन और टेस्ट आने वाले हैं और भी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।